तरंगों से हो रहा है मेल, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन सी राशि होगी मालामाल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना साप्ताहिक राशि फल, जो आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर, गोचर ग्रहों की दशा के आधार पर बनाया जाता है। किंतु जैसा कि आप सभी भक्तगण पहले से ही जानते हैं कि हर एक व्यक्ति की जो जन्म कुंडली होती है उसमें जो बैठे हुए ग्रह होते हैं वो अपनी शक्ति के अनुसार, यानी अपने अपने अंशों के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, कि मतलब वो मार्गी हैं, वक्री हैं, नीच के हैं या उच्च के हैं, और किस किस घर में बैठे हुए हैं उसी के अनुसार आपको फल देते हैं। तो हमारा ये राशि फल जो है कॉमन रूप से पर्टिकुलर राशि के व्यक्तियों के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि अगर ये साप्ताहिक राशि फल है तो आने वाले सप्ताह के दौरान उसके साथ क्या अच्छा और क्या बुरा होने की संभावना बन रही है, तो वह उसके अनुसार वह व्यक्ति अपने कर्मों को निर्धारित कर आने वाली परेशानियों से बचने का और आने वाले शुभ फलों को द्विगुणा करने का, त्रिगुणा करने का मौका प्राप्त करता है, और उसके अनुसार कार्य करने से निश्चित रूप से उसे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इससे पहले कि मैं आपका जो राशि फल है वह प्रारंभ करूं, मैं आप सभी का ध्यान देश में हो रही एक बहुत ही अचंभित करने वाली घटना की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। हमारा राष्ट्र, हमारा भारत देश, हमारी मातृभूमि आज एक बहुत ही उत्तम किस्म के विकासशील राष्ट्र के रूप में कार्य कर रही है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली अपने आसपास हो रही घटनाओं की तरफ ध्यान देने की कोशिश करते हैं या जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको देखकर आप सभी का नहीं, हमारा हृदय भी विचलित हो जाता है। आज मैं आपको ले चलता हूं, आपके ध्यान को आकर्षित करता हूं ECG यानी इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम, जो टेस्ट होता है हृदय की फंक्शनलिटी के लिए, एक 5 मिनट का ऊपरी टेस्ट होता है जिसमें आपके शरीर पर, हाथों में, पैरों में, छाती पर 5-6 तार लगाकर आपकी जो हृदय की धड़कन है उसको चेक किया जाता है कि आपके हृदय की जो पंपिंग है या जो खून का बहाव है किस तरीके से हो रहा है, और ये केवल कुल मिलाकर 4-5 मिनट लेता है ये टेस्ट। तो उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि उसके नाम पर क्या क्या हो सकता है। मैं बात करता हूं हमारे देश की हृदय यानी हमारी राजधानी दिल्ली और हमारी राजधानी दिल्ली का हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की तरफ, जो हमारी संसद भवन से मात्र 1 किलोमीटर या राष्ट्रपति भवन से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। जब हमारी कोई माता, हमारी कोई बहन, हमारी कोई बेटी वहां पर डॉक्टरों द्वारा की गई रिकमेंडेशन के आधार पर अपना ECG टेस्ट कराती है, तो जानते हैं उसके साथ क्या होता है। चाहे वह बहुत मामूली सी परेशानी की वजह से डॉक्टरों से रिकमेंड कर रहे हैं, वहां पर वहीं पर जो बैठे हुए डॉक्टर हैं इमरजेंसी में जो डॉक्टर बैठते हैं या कहीं अन्य डॉक्टर बैठ के उसे ECG कराने की बात करते हैं, तो उसके साथ क्या किया जाता है। हमारे यहाँ फीमेल ECG स्पेशलिस्ट की व्यवस्था नहीं है, तो सबसे पहले उस स्त्री को कहा जाता है या उस लड़की को या उस बेटी को कहा जाता है कि उसके पैरों में 2 स्प्रिंग्स लगा दी जाती हैं, फिर 2 हाथों में लगा दी जाती हैं, 2 अन्य शरीर के हिस्से में लगा दी जाती हैं, फिर उससे कहा जाता है अपने कपड़े ऊपर करिए, अपनी ब्रा ऊपर करिए, फिर उसके स्तनों के पास 2 वायर 2 क्लिप्स लगाई जाती है, वो भी केवल और केवल मेल डॉक्टर के द्वारा जो वहां पर उपलब्ध होता है। अब आप स्वयं निर्णय करें आपकी
15-18 वर्ष की बेटी हो, आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, चाहे वो 40-50 साल की ही क्यों ना हो, उनके मामूली सी बीमारी में जब उनसे कहा जाता है ईसीजी टेस्ट करा लो, और एक मेल डॉक्टर, एक मर्द डॉक्टर, एक युवा डॉक्टर उसकी ईसीजी करने के नाम पर उसके स्तनों पर दो तार लगाता है, दो क्लिप लगाता है, तो आपको, मुझे या अन्य व्यक्तियों को कैसा महसूस होगा? क्योंकि आज तक आप में से शायद बहुत सारे व्यक्ति इस बात को जानकर भी कोई विरोध दर्ज नहीं करा पाते हैं। तो मैं आज आप सभी का ध्यान अपने यहाँ, अपने देश में, अपने देश की राजधानी दिल्ली में, और राजधानी दिल्ली में भी राष्ट्रपति और हमारी संसद से केवल आधे किलोमीटर दूर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर ऐसा होता है, तो देश के अन्य हिस्सों में, दूर दराज के इलाकों में क्या क्या नहीं होता होगा, इसकी तरफ आकर्षित करते हुए अपने देश के नेतागणों से, अपने देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री से और अन्य सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से और इस देश के कर्ता धर्ताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस ईसीजी की जो कुप्रथा है, या तो इसके अंदर केवल और केवल फीमेल डॉक्टर की व्यवस्था करें, अन्यथा, क्योंकि ये कोई इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं है जिसे कोई नर्स अंजाम नहीं दे सकती हो, डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस पर नर्स के द्वारा पर्दा लगाकर करवाया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था से उन सभी स्त्रियों की, लड़कियों की और आप सभी की बहन बेटियों को इस होने वाले दुर्व्यवहार से, अपमान से, कष्ट से, पीड़ा से निश्चित रूप से आराम आएगा। अगर वहां पर कोई फीमेल डॉक्टर, सिर्फ और सिर्फ फीमेल डॉक्टर, और फीमेल डॉक्टर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ नर्स के माध्यम से, फीमेल नर्स के माध्यम से यह व्यवस्था कराई जानी चाहिए। अगर हम अपने आप को विकासशील देश भारत का, और जिसकी अर्थव्यवस्था के हम दंभ पर आज विकासशील राष्ट्र कहते हैं, तो उस राष्ट्र की व्यवस्था में ईसीजी के लिए केवल और केवल महिला डॉक्टरों की, महिला नर्सों की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, मेरा कार्य है समाज को जागरूक बनाना, समाज को निरंतर ज्ञान प्रदान करना, तो चलिए हम चलते हैं इस सप्ताह यानी 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक के राशि फल की ओर। आप आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर अवश्य करें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों, 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक के ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए मैं आपके मन को बहुत ही चिंतित महसूस कर रहा हूं कि आपका मन व्यथित है, चिंतित है, परेशान है। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा है, अपनी इस व्यथा को दूर करने के लिए, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कम से कम एक 11 कैरेट का मोती जो है उसकी अंगूठी को मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करवाकर सदैव अपने हाथ में धारण करना चाहिए। अगर आप इसे किसी योग्य विद्वान व्यक्ति से मंत्र सिद्ध कराएंगे जिसने इन मंत्रों को सिद्ध कर रखा है, तभी यह मोती आपको मजबूती प्रदान करेगा। अगर आप ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाने में असमर्थ है, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अपनी उंगली का साइज बताकर पूरी दुनिया में कहीं भी हमसे यह अंगूठी मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठा जागृत करवाकर घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अगर कुटुंब पक्ष के लोगों की बात करें, तो कुटुंब पक्ष के जो आपके संबंध है लोगों के साथ, वह आपके जो संबंध आपके भाई बहनों के साथ, संबंधों के साथ उत्तम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो भाई बहन और कुटुंब पक्ष के लोग मिल बैठ के अपने संबंधों में एक नया आयाम दे रहे हैं। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई बात कर रहे हैं, तो यहाँ कोई शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। अपने प्रयास को जारी रखें, निश्चित रूप से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं, अगर आप मकान से संबंधित, वाहन से संबंधित कोई उलट फेर की संभावना बना रहे हैं, तो अगर
आप अपने भाई बहनों के साथ बात करके उनके सहयोग के साथ इस कार्य को करेंगे तो बहुत आसानी से इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा समय है, समय का सदुपयोग करें क्योंकि हर दृष्टि से उनको शुभ समाचार मिलेगा। तो जितना भी समय आप पढ़ाई लिखाई पर फोकस करेंगे वो आगे आपके काम आने वाला है, उसी तरह के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ सप्ताह साबित हो सकता है। फिर भी जो स्टूडेंट्सों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता या जिनके अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं पढ़ाई लिखाई में, वो बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे अपने माता पिता के साथ वीडियो कॉल बुक करा के वार्तालाप कर सकते हैं, अपनी परेशानियों के बारे में चर्चा करके हमसे उसके उपाय जान सकते हैं जिन्हें करने से निश्चित रूप से गारंटी से आपको फायदा प्राप्त होगा पढ़ाई लिखाई से संबंधित सभी मसलों में। अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो आपका जो स्वास्थ्य है आपको विचलित कर सकता है, परेशान कर सकता है। ध्यान रखें और स्वस्थ रहने का पूर्ण प्रयास करें। जो जीवन साथी के साथ जो आपके संबंध है अगर हम उनकी बात करें तो उनमें थोड़ा सा कटुता आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, उन संबंधों को मधुर बनाने का भरसक प्रयास करें। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, चाहे वो आपके बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगता हो या उनके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते हो इस वजह से परेशान है, या नौकरी ना मिलने से परेशान है, या नौकरी प्रमोशन और बॉस की वजह से परेशान है, या व्यापार की वजह से परेशान है, या धन की कमी की वजह से परेशान है, या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या अगर शादी हो गई है तो शादी में ग्रह कलेश की वजह से परेशान है, या संतान ना होने की वजह से परेशान है, या व्यापार में हो रहे घाटे की वजह से परेशान है, या फिर आपके पास अपना मकान नहीं है या अपना व्यापार स्थल नहीं है उसकी वजह से परेशान है, या फिर आप अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की बीमारी की वजह से परेशान है, तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके हमारे लिए यानी गुरु रजनीश ऋषि के लिए, गुरु मां रुक्मणी जी के लिए या स्वामी राज ऋषि जी के लिए वीडियो कॉल बुक करा के उनसे अपनी परेशानियों के उपाय जान सकते हैं जिन्हें करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में धीमे धीमे करके अभूतपूर्व परिवर्तन अवश्य आएगा। जो व्यक्ति सनातन हिंदू धर्म में परमपिता परमात्मा में और नवग्रह देवताओं में असीम आस्था रखते हुए इन उपायों को सच्चे मन से करते हैं और करने के उपरांत फल देने के लिए परमपिता परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं, उन व्यक्तियों को निसंदेह इन उपायों को करने से अवश्य फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ मैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जैसा कि अक्सर देखा गया है आपके और आपके जीवन साथी के मध्य कटुता अक्सर बनी रहती है, तो इस कटुता को दूर करने के लिए आपको अपने जीवन साथी से संबंधित ग्रह की एक अंगूठी सदैव अपने हाथ में पहननी चाहिए, वो भी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कराकर। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके और आपके जीवन साथी के मध्य जो संबंध है उनमें सुधार आएगा और आपके बीच में हर्षोल्लास बढ़ेगा। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य कि यह अंगूठी तभी कार्य करेगी जब वो प्रॉपर तरीके से मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित और जागृत हो। तो किसी ऐसे विद्वान व्यक्ति से मंत्र सिद्ध कराएं जिन्होंने इन मंत्रों को सिद्ध कर रखा हो। और यह अंगूठी जो रतन है वो असली रतन 3 वर्ष तक कार्य करते हैं जबकि उप रतनों की उम्र 1 साल होती है, तो इन्हें उसके उपरांत नई बनवाकर पुनः पहनना चाहिए। अगर आपको इस प्रकार की अंगूठी नहीं मिल पा रही है और आप चाहते हैं कि हम इसमें मदद करें आपकी, तो आप घर बैठे हम आपको आपकी साइज के अनुसार मंत्र सिद्ध प्राप्त से जागृत करवा कर बनवा कर वह अंगूठी आपके घर तक पहुंचाने में समर्थ है। आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं तो भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो भाग्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ फल लेकर आया है। उस शुभ समय का सदुपयोग करें, संतान के साथ बैठकर कोई निर्णय अगर आप लेंगे भाग्य से संबंधित, या अगर आप अपने भाग्य के अनुकूल निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा प्राप्त होगा। अगर हम बात करते हैं आमदनी की, तो आमदनी में इस समय जो है आपको थोड़ी सी अड़चन आ सकती है, थोड़ी सी आमदनी में आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, या आपको आमदनी में लग सकता है कि आपको थोड़ा कम आमदनी हो रही है,
किंतु समय आने पर उसमें इंप्रूवमेंट अपने आप आपको दिखाई देगा। सप्ताह के अंत आते आते तक अचानक आप अपनी माँ की तरफ से, माँ के आशीर्वाद की वजह से निश्चित रूप से आपकी आमदनी में इजाफा होगा और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यहाँ आपको नियंत्रण करना अपनी मानसिक स्थिति को, तो मानसिक स्थिति को अवश्य कंट्रोल करें। चुपचाप रोने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, आपका मन और अधिक दुखेगा। कंट्रोल करें, संयम रखें, धैर्य रखें और किसी ज्ञानी ज्योतिष से परामर्श लेकर शुभ फलों को प्राप्त करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। प्रिय भक्तगणों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपने ग्रह की दशा को सुधारने के लिए रतन की अंगूठी पहननी पड़ेगी, लेकिन यह रतन की जो अंगूठी या अंगूठियां हैं वह प्रॉपर तरीके से मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत होनी चाहिए, तभी वह अंगूठियां आपको फायदा देने में समर्थ होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने अभी आपको बोला कि ये अंगूठियां पहनी, आप दौड़कर सुनार की दुकान पर जाते हैं, वहां से अंगूठी बनवा कर पहन लेते, फिर कहते हैं थोड़े दिन बाद गुरु जी मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। अरे भाई, जब तक ये मंत्र सिद्ध नहीं होंगी, प्राण प्रतिष्ठित नहीं होंगी, जागृत नहीं होंगी, और इन अंगूठियों को मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करने वाले जो विद्वान हैं, आप समझ लीजिए उनकी जो गणना है, जो उनकी गिनती है, वो 1000 में से मुश्किल से 5 लोग, जो चाहे वो मंदिर में बैठने वाले हों या कोई आचार्य हो या कोई शास्त्री जी हो, उनकी गणना जिन्होंने इन मंत्रों को सिद्ध कर लिया है, जागृत कर लिया है, वही व्यक्ति इन अंगूठियों को प्राण प्रतिष्ठा करने में सक्षम होते हैं। तो आप जब भी कोई रत्नों की अंगूठी अपने भाग्य के वर्धन के लिए या अपनी किसी भी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए बनवाएं, तो आप किसी योग्य और विद्वान व्यक्ति से ही उसे जागृत, मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। अगर आपको यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप बिना किसी झिझक के नीचे स्क्रीन पर जो हमारे नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों पर हमसे संपर्क करके अपने लिए किसी भी प्रकार के रतन की लेबोरेटरी से सर्टिफाइड कराकर अंगूठी, हमारे स्वयं के द्वारा मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत की हुई अंगूठी बिना किसी झिझक के पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हुए अपने घर पर मंगवा सकते हैं डाक द्वारा, या आप स्वयं यहां आकर, यानी शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। काम करो ना भोला। आप क्या करती हैं? मैं होम ट्यूशन लेती हूँ, टीचर हूँ। कहाँ रहती हैं? वैस पटेल नगर। तो आप गुरुजी के पास आई, क्या प्रॉब्लम था आपका? एक्चुअली मेरा बेटा जो था नशे की गिरफ्त में था और नशे बहुत कर रहा था फ्रेंड्स के साथ, और रात को भी लेट नाइट आना, परेशान करना, तो इन सब की वजह से मैं आई। कब से परेशान किया? मैं परेशान थी 4-5 साल से। मुझे कुछ उपाय बताए थे और साथ में मेरे को इन्होंने रिंग पहनने के लिए बताई थी बच्चे के लिए, तो वो मैंने फिर डलवाई थी। तो अब रिंग पहने कितना समय हो गया उसे? रिंग पहना था न्यू ईयर को, 1st of January को, और तब से उसने एक बार भी ड्रिंक नहीं की है और अपना फ्रेंड्स वगैरह का साथ छोड़ दिया। आपको उससे इतनी देर में फायदा हो गया? हाँ जी, आज एक है तो एक महीने में, मतलब बिल्कुल मुझे उसने कभी टच ही नहीं किया उसको। आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी गुरु जी, गुरु माँ के बारे में? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, आकर एक बार जरूर मिले और जो वो उपाय बताए करें, निश्चित ही फायदा होगा उससे। यहाँ में कर्क राशि वाले लोगों की ग्रह गोचर की ओवरऑल स्थिति को देखते हुए उन्हें 5 में से इस सप्ताह के लिए 2 स्टार देता हूं। आज की इस चर्चा को विराम देते हुए शीघ्र ही मैं आप सभी के समक्ष अगले हफ्ते का राशिफल लेकर पुनः प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।